दोस्तों आज नवंबर की 14 तारीख है और पुष्कर के अंदर भीड़ बढ़ने लगी है और मेला स्टार्ट भी हो चुका है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब काफ़ी जगह पर दुकानें लग चुकी है, काफ़ी मतलब दुकानें पहले से ज़्यादा दुकानें हो गई हैं। लगभग 50% दुकानें आ चुकी है अभी तक। देखिए पीछे का माहौल किसी इस तरह से है। दोस्तों मैं आज कोशिश करूंगा आपको ये दिखाने की कि घोड़े के बच्चे जो हैं उनका क्या प्राइस रहता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं घोड़े के, इनके प्राइस बताने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछते हैं अगर ये प्राइस बताए घोड़े का तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि घोड़े के छोटे बच्चे का प्राइस ज़रूर बताऊँगा। तो मैं ये, मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है ब्लैक कलर का, कहाँ से आए भैया? भैया मावली से। मावली से। और ये बच्चा? ये बच्चा किसका है? घोड़ा का बच्चा है। अच्छा, और कितनी एज है इसकी? एज अभी 3 महीने का है। 3 महीने का है। और इसकी माँ कहाँ पे है? माँ तो घर पर है। अच्छा, उसको घर पे रखा है। उसको लेके हो, बेचने के लिए लेके आए होगे? जी भैया। तो इसका प्राइस क्या रखा है आपने, क्या कीमत मांग रहे हो इसका? कितना? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये मांग रहे हो इसका? कौन सी नस्ल है? सीताराम जी घोड़े की बच्ची है। सीताराम जी को घोड़े की बच्ची है ये? जी। अच्छा, तो इसका बाप 64+ है। इसका अच्छा, इसका जो पिता है वो 64+ की उसकी हाइट है। जी, इसकी माँ 63 है। उसकी माँ 63 की वो ब्रीडिंग है दोनों की है। नस्ल कौन सी है? ये मारवाड़ी नस्ल में आती है। मारवाड़ी नस्ल में। काफ़ी शानदार बच्चा है। तो बच्चे जैसे मान लो 5,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं क्या? जी भैया, वो अलग चीज़ है। अलग मतलब, हाँ ये ब्रीडिंग लाइन तो है मारवाड़ी की। ये देखो शानदार, ये बताती है कि यहाँ ब्रीडिंग किस तरह की है। दोस्तों वो मारवाड़ी नस्ल का छोटा बच्चा था और जो उसकी कीमत वो मांग रहे थे 2.5 लाख रुपए। तो आप ये समझ सकते हैं कि मारवाड़ी जो नस्ल होती है उसके बच्चे की कीमत क्या होगी। वो सिंपल 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक बच्चे की कीमत हो सकती है। कहाँ पे? फिर है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? Thank you.